अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनीस ग्लूटेन फ्री किचन। आज मैं आपके साथ ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा और गार्लिक डिपिंग सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी से बहुत सॉफ्ट और यमी पिज़्ज़ा क्रस्ट तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये किस कदर सॉफ्ट पिज़्ज़ा क्रस्ट है और ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विद इंग्रीडियंट्स। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 1 कप वार्म वाटर है और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें यीस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 कप बेकिंग फ्लावर है। ये मैं बॉब रेड मिल्स का ले रही हूँ 1:1 बेकिंग फ्लावर। आप कोई भी ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। और इसके अंदर हम 1 एग ऐड करेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिएगा और इसमें हमने ये जो यीस्ट वाला मिक्सचर बनाया था 1 कप वाटर में ये ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंथेंगे। डो को हमने 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको रैप करके थोड़ी सी वार्म प्लेस पे तकरीबन 3-4 आवर्स के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। जब तक हमारी डो राइस हो रही है हम यहाँ पे पिज़्ज़ा की सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर हम 1/2 अनियन जो मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया ये ऐड करेंगे। इसको फ्राई कर लेते हैं। अनियन लाइट ब्राउन हो गया इस टाइम पे इसके अंदर हम ये टोमेटो प्योरी ऐड करेंगे। मैंने 4 मीडियम साइज के टोमेटोज लिए थे और इनको पील करके तो ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो आप कैन वाली टमाटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून पार्सले। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको कुक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस थिक हो गई है। अब इसके अंदर हम इस टाइम पे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। सॉस थिक हो गई है, ये देखिए इसको इतना थिक होना चाहिए। इस टाइम पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कूल कर लेते हैं। 3 आवर्स में डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो गई है। देखिए ये साइज में डबल हो गई है। यहाँ पे मेरे पास लार्ज पिज़्ज़ा ट्रे है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम इस डो को शिफ्ट करेंगे, इसके अंदर ही हम इसको पिज़्ज़ा की शेप देंगे। इसको अलहदा से बेल के डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ट्रे के अंदर हम डो को अच्छी तरह से पिज़्ज़ा की शेप दे लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। कॉर्नर्स में नहीं लगाएंगे, बस हम इसके सेंटर में लगाएंगे। साइड से हम तकरीबन 1 इंच की साइड छोड़ देंगे। पिज़्ज़ा सॉस को मैंने सेंटर्स में लगाया है, साइड से तकरीबन 1/2 इंच का कॉर्नर मैंने खाली रहने दिया। अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे, ये मोज़रेला चीज़ है। चीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाएंगे। आप कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स या चिकन या फिश जो भी आप ऐड करना चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर सबसे पहले अनियंस लगाऊंगी। ग्रीन
ग्रीन ऑलिव्स लगाएंगे। वेजीज ऐड करने के बाद हम थोड़ी सी मोज़रेला चीज डालेंगे, बहुत थोड़ी सी। 500 डिग्री प्री हीटेड ओवन पे हम इसको बेक करेंगे। जब तक पिज्ज़ा बेक हो रहा है, हम यहाँ पे गार्लिक डिपिंग सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने मेयोनेज लिए हैं, ये 400 ग्राम्स है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, ये 2.5 टीस्पून है, और इसके अंदर हम ऑर्गेनो यूज़ करेंगे 1/2 टेबलस्पून, और इसके अंदर हम पार्सले यूज़ करेंगे, ये भी 1/2 टेबलस्पून। इसके अंदर ब्लैक पेपर्स यूज़ होंगी, ये 1/2 टीस्पून। व्हाइट विनीगर 1.5 टीस्पून। इसमें ऑलिव ऑयल जाएगा, ये 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। डिपिंग सॉस हमारी रेडी हो गई है, हम इसको डिश आउट करते हैं। पिज़्ज़ा 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गया है, हम इसको डिश आउट करते हैं। ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा और गार्लिक डिपिंग सॉस हमारी रेडी है, ये बहुत टेस्टी तैयार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।